हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दिसंबर महीने का जो असाइनमेंट है उसके आंसर के बारे में। तो आज का वीडियो क्लास टेंथ का जो साइंस सब्जेक्ट है, जो असाइनमेंट है, उसका आंसर हम लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या है और कैसे लिखना है आपको, ठीक है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आपके असाइनमेंट से संबंधित और आपके एनुअल एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके इसी चैनल के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन में ये भी आया हुआ है कि आपके स्कूल भी लगेंगे और एग्ज़ाम भी होने हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ाई भी कीजिए और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको हम आने वाले समय में आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पास ये आपके असाइनमेंट का, साइंस सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है इसका आंसर। पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबल डाइग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन एंड राइट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसका आपको डायग्राम बनाना है और इसका वर्किंग भी लिखना है, ठीक है, इसके प्रोसेस भी लिखने हैं। तो ये आप यहाँ से डायग्राम आप बना सकते हैं और फिर इसके बाद इसका प्रोसेस लिख दीजिए पूरा, ठीक है। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, राइट। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट राइट इट्स टू मेन प्रॉपर्टीज एंड टू यूज। इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है ये इसको बताना है और इसके दो प्रॉपर्टीज आपको लिखने हैं और दो यूजेस भी बताने हैं। तो देखिए क्या है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट 1/2 2S2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिर इसके जो प्रॉपर्टीज़, हाँ इसी को और भी बताना है आपको कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए केल्विन, ठीक है, ये केल्विन लिखा हुआ है, इन लॉसेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके, इसको हीट करके ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसके प्रॉपर्टीज़ आप बताइए, दो प्रॉपर्टीज़ लिखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगा इसका, इट इज़ वाइट पाउडर, एंड सेकेंड, वेन इट मिक्सड विथ वाटर क्रिस्टल ऑफ जिप्सम आर प्रोड्यूस्ड एंड सेट इन टू मास, ठीक है। ओके, इसके यूजेस बता दीजिए, ठीक है। इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, ओके, और जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हो जाते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको सेटल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट अबाउट डैमेज डन टू द इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन अराउंड यू, ठीक है, इसको आप इसके आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर, और स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, पूरे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सभी वीडियो के आंसर, सभी वीडियो से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर सभी वीडियो के लिंक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो सॉप का देखिए, फर्स्ट है, आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड डिटर्जेंट के भी आप लिख सकते हैं, आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एल्किल सल्फेट, ठीक है। तो ऐसे सेकंड और ये थर्ड वाला भी आप यहाँ से लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेट ऑफ द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो यहाँ पास एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक और विलाई, इसका आपको वर्किंग प्रोसेस बताना है, ठीक है, उनका क्या रोल है उसको लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।